सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आप उन्हें अपनी बातों में उलझाकर देर करवा देंगे तो फर्ज पूरा नहीं होगा, और सुल्तान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो फर्ज की अदायगी में कोताही करें। रेलवे लाइन हम दोस्तों के साथ मिलकर बनाएंगे। जर्मन हुकूमत हमारी दोस्त नहीं साबित हो चुका है, जा सकते हैं आप। वो कमालुद्दीन को जाने से रोकेंगे, इस तरह वो खुद भी इल्जामात से बरी हो जाएंगे और साथ ही महमूद पाशा भी। नहीं वालिदा, हम चाहते हैं कि जो तस्वीर हम बनवाएंगे वो हमारे दरमियान राज रहे। जैसे आपका हुकुम। बाज़ औक़ात जो दिल चाहता है वो हमारी तकदीर में नहीं होता। अच्छा तो बातें ही कर लें कुछ देर हम। मुझे यकीन है दोनों फरीकों के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। सारा मुझे छोड़कर बच जाओ। सारा महल में रुक गया था, सबातीन अफंदी रवाना हो चुके थे। खता हो गई हुजूर, खदीजा सुल्तान ने रोक लिया था। खदीजा सुल्तान, हमने आपकी सारी शरायत पूरी कर दी है। अंग्रेज और हॉलैंड के सफीरों के दस्तखत भी मौजूद हैं। गिरफ्तार कर लो। ये रहा महमूद पाशा का फांसी का बंदा। सुल्तान मौज़म महमूद पाशा को गिरफ्तार करके ले आए हैं। पेश करें। हथकड़ी खोल दें इनकी। सब लोग बाहर चले जाएं। आइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस थप्पड़ को भूलिएगा मत पाशा। मैं यहां बेजार हो गया हूं जनाब जारूफ। जहां तक मेरी मालूमात है तुम मतलूब नहीं हो, पाए तख्त में तुम आसानी से घूम सकते हो।
सुनो, तुमने एक शख्स का जिक्र किया था जिसका कोई खास दोस्त अब्दुल हमीद के इंतहाई काबिल एतमाद मददगारों में से है। हाँ, यूसुफ। मेरे पीछे वही वसूली करता है, बहुत होशियार है और बासलाहियत भी, मेरा खास आदमी बन गया है। जबरन वसूली करता है? जी जनाब जारूफ, जितनी रकम जमा करता है वो सब मेरे पास ले आता है, ईमानदार है। हाँ, हाँ। उसे रकम समेत मेरे पास ले आओ, मिलने का वक्त आ गया है। बहुत बेहतर जनाब। ऐ मौत, तेरा चेहरा कितना सर्द है, लकड़ी और रस्सी तक सर्द हो गई है। क्या कभी कोई तेरा दोस्त बना है? नहीं। क्या तुझसे फरार मुमकिन है? नहीं। क्या कोई ऐसा महल है, पहाड़, वीराना, जहां तू ना पहुंच सके? हरगिज नहीं। जनाब जहरूफ, ये लीजिए। क्या है ये जनाब? ये महसूल है। मुझे लगता है आप खुश नहीं हुए। रकम कम है क्या? तुम इसे रकम कहते हो? ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो इतनी दौलत होनी चाहिए कि तुम अपने हवास खो बैठो। लगता है आपकी आमदनी बहुत ज्यादा है। कैसे कमाई आपने इतनी दौलत? मैं असलहे का ताजिर हूं। दुनिया में जितना ज्यादा खून बहता है मैं उतनी ही रकम कमाता हूं। तुम भी मेरे साथ काम करके दौलत कमा सकते हो। वो मैंने हथियार तो इस्तेमाल किए हैं लेकिन उनकी तिजारत के बारे में नहीं मालूम। बासिल जाहरूफ के साथ काम करना शुरू कर दो तो सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन जनाब मुझे आपके लिए करना क्या होगा? तुम्हारा एक दोस्त है जो महल आता जाता है। उमर, तुम्हें अपने दोस्त के जरिए महल में मेरा राब्ता करवाना होगा। हाँ ठीक है। उमर अक्सर महल जाता रहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब महल में आने जाने का क्या फायदा है? अभी तो ये दौलत कमाने की बात कर रहा था। कहरो, इस नौजवान को ले जाओ और इसे कोई नफीस लिबास पहनाओ, उसके बाद इससे हम बात करेंगे। जाओ। ठीक है जनाब जारूफ। मेरे अजीज भाइयों, आप सब ये बात जानते हैं कि सेहोनी रहनुमा थियोडोर हर्जल वियाना से पाए तख्त आए हैं और हम सब से राब्ता करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। हम एक अरसे से खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। कोई अजनबी हमारे दरमियान नहीं आया। इस गैर जरूरी मुलाकात की वजह क्या है? मैं सेहोनी कायद हूं। दुनिया के तमाम यहूदियों को हमारे साथ इस तहरीक में शामिल होना होगा। हम आपके साथ क्यों शामिल होंगे? हम उस्मानी रियाया हैं, ताजिर हैं, अच्छा कमा लेते हैं, यहां खुश हैं। मुख्तसरन ये कि हमें तन्हा छोड़ दें। तो फिर मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्यों इस तरह मुसलमान बनकर रहते हैं जबकि मुसलमान नहीं है आप लोग? इसलिए कि हम अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप अपने मजहब को जिंदा रखना चाहते हैं तो इसकी कीमत अदा करनी होगी। जब खुदा के रास्ते में सर कटा नहीं सकते तो झुकाना भी एहतराम नहीं, बेवकूफी है। हमने तलवारें थाम रखी हैं, अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। हमारे पास आग है, हमारे मुखालिफ जो गद्दार जलाए जाएंगे वो भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी जल जाएंगे। ये वो शोला है जो कभी भी नहीं बुझेगा। अन करीब उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा, इसराइल वजूद में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का कोई वतन नहीं होगा, आपको गले लगाने वाला कोई नहीं होगा,
आप जमीन के नीचे चूहों की तरह बर्बाद हो जाएंगे। डरे मत, सच के लिए आवाज उठाएं। अपनी किताब में लिखे सच को दिल में दफन मत करें। गैर मजहब वालों से वो सवाल पूछें जिनका खुदा ने हुक्म दिया है। इसराइल वजूद में आएगा, इसराइल वजूद में आएगा। सहूनियत के साथ कदम मिलाकर चलें, हाथों को मुट्ठी बनाएं, आपकी निगाहें तलवार और सांसें आग बन जाएगी। इसराइल वजूद में आएगा, इसराइल वजूद में आएगा, इसराइल वजूद में आएगा। जहां आपके कदम पड़ेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। आपकी सरहदें सहराए लबनान और दरियाए फुरात से मगरबी समंदर तक फैली हुई होंगी। कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। जैसे कि आपको खुदा ने बताया है कि आपके अंदर की दहशत और खौफ उस जमीन तक फैलेगी जहां तक आपके कदम पड़ेंगे। इस्राइल वजूद में आएगा, इस्राइल वजूद में आएगा, इस्राइल वजूद में आएगा। हम ताजिर हैं, उस्मानी रियासत में हम आपकी हिमायत करेंगे। जो भी हमारे बस में हुआ आपके लिए करेंगे। हम आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे। आपसे पहली चीज जो मुझे चाहिए, इसराइल का मुस्तकबिल है। मेरे बाबा अब्दुल हमीद के पास हैं और मुझे उन्हें बचाना है। बयाए तख्मे है वो क्या? जी हाँ बिल्कुल। रोश हशना का त्यौहार जल्द आने वाला है जनाब हर्जल। अब्दुल हमीद उस त्यौहार पर यहूदियों के लिए मुकद्दस माने जाने वाले खाने सेब का मुरब्बा, बटेर और आला किस्म की खजूरें बयाए तख्त में मौजूद तमाम यहूदियों के घर तोहफातन भेजते हैं। आपके वालिद को भी भेजेंगे। हम मिलकर अजीम कारनामे अंजाम देंगे। हम क्या करेंगे सबाहती? मेरे मामू का सख्त मिजाज दुनिया भर में मशहूर है। अदालत कायम की जाएगी। सुल्तान चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। अगर बाबा को मुकदमे का सामना करना पड़ा तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा वालिदा, कोई भी नहीं। बस कीजिए, खामोश हो जाइए। हल तलाश करना होगा हमें। वालिदा क्या करेंगी आप? भाई से बात करेंगे हम। देखिए तमाम लिबास खूबसूरत है, मुंतखब कीजिए। वहां क्यों रुक गए? पसंद करो अपने लिए। रुको जरा, ये तुम पर जचेगा। खैरियत तो है उमर भाई? यहां इंतजार करना होगा हमें, मगर हमें देर हो जाएगी। बस थोड़ी देर। ठीक है भाई, इसे पहन के तो देखो। मैं मदद करती हूं। मेरी जिंदगी लगता है इस दुकान के बाहर ही गुजर जाएगी। उस दिन आसन ने इंतजार करवाया था, वो बहुत देर तक अंदर रही थी। जब बाहर आई तो एक छोटा सा डब्बा हाथ में था। इतनी देर में तो एक नई दुकान तामीर हो सकती है। आप आसन से जज्बात का इजहार क्यों नहीं करते? मत पूछो इस बारे में। हमारे सुल्तान का हुक्म है कि उमर अपने दिल को काबू में रखना। आपने क्या कहा? क्या कहता भाई, सुल्तान का हुक्म है ये। खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये भी पहन कर देखो, जच रही है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत शानदार। जब आप हीरम को मारने वाले थे, क्या वो हुकुम की नाफरमानी नहीं थी? उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो तुम, मैं बहुत गुस्से में था इसलिए तुम पे हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं उमर भाई, इत्मीनान रखें। शुक्रिया। अहसन के मामले में लापरवाही मत करें, वरना सारी जिंदगी आप पछताते ही रह जाएंगे। कार्गो पॉलिस अब तक नहीं आए, इसीलिए काम हमने शुरू कर दिया। तस्वीर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी।
उम्मीद है कुछ गलत नहीं होगा फरजंद। सब ठीक हो जाएगा स्नेहा सुल्तान, हमारे सुल्तान के सामने पेश होने वाली हैं। बिल्कुल, वो भागती हुई जाएंगी और सुल्तान ने मौजम से पनाह तलब करेंगी, मगर होगा वो जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, उनका वो जेवर जो वो पहनकर सबको फखर से दिखा रही थी, सुल्तान मौजम के सामने भी पहनकर आई थी। आप जानते हैं आपके बाबा जो चीज एक बार देख ले वो कभी नहीं भूलते। जब सुल्तान इन तस्वीर को देखेंगे तो जान जाएंगे वो जेवर कहां से आया है। अब्दुल कादिर, ये जेवर महदूद तादाद में बनाए जाते हैं और मलिका बरतानिया बहुत खास अफराद की बेगमात को ये तोहफे में दिया करती हैं। इन तस्वीर में मौजूद तमाम खवातीन अंग्रेजों के तैनात शुदा गवर्नरों की बेगमात हैं। क्या हमारी पुप्पी भी खतारी में मुलाफिस है? आ जाएं। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, सारा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देता हूं ताकि उससे तहकीकात की जा सके। नहीं, कोई हुक्म ना दें। लेकिन सुल्तान मौसम, सारा कैद में किसी काम की नहीं पाशा, हिरम को रिहा कर दें और उसे हमसे किया हुआ माहदा याद दिलाएं। सारा राज छुपा रही है, वो राज जो वेटिकन में हमें अपने जासूस तक पहुंचाएगा। अगर हिरम ने हमें उस राज तक पहुंचा दिया तो हम हिरम को जो चाहिए वो दे देंगे। जो आपका हुक्म हो। ये लीजिए जनाब, दोबारा जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये सब खरीदने के लिए इसके पास रकम कहां से आई? उमर भाई, हमारा काम वो भी हो जाएगा लेकिन अभी इसका ताकुब करना जरूरी है। चलो। आ जाए। मौजम, अगर आप अपने शौहर के लिए माफी तलब करने आई हैं तो इसके लिए आपको जहमत की जरूरत नहीं। क्या आपको अपनी हमशीरा और अपने भांजे के लिए बुरा नहीं लगेगा? हमने पहले भी एक बार नजरअंदाज किया था, सबूत भी मौजूद थे हमारे पास। आप जानती हैं हमारी हुकूमत के इब्तदाई सालों में आप लोग हमारे भाई मुराद को तख्त पर बिठाना चाहते थे। इनकलाब कमेटी कायम की गई थी और उसके सरबरा आपके शौहर थे। मेरे सुल्तान, उस कमेटी का सरबरा होने का मतलब आपको और महमूद पाशा को अच्छी तरह मालूम होगा। उसके बाद भी हमने दरगुजर किया। जाइए यहां से। भाई, रहम कीजिए भाई। हमने क्या जुर्म किया था बताइए, क्या कसूर था हमारा? जब हमने रियासत का बोझ कंधों पर उठाया तो आप पर कोई बोझ नहीं आने दिया, बल्कि चाह कि आप रुकावट ना बने, लेकिन आपने हमारे भाई मुराद अफंदी को हमारे ही खिलाफ उकसाया, फिर भी माफ कर दिया हमने आपको। वो वक्त तो गुजर गया, फिर हमने और हमारे शौहर ने आपके साथ कभी गद्दारी नहीं की। हम कसम खाकर कहते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, मेहरबानी कीजिए भाई। भाई यकीन कीजिए, हम किसी भी मामले में मुलव्वस नहीं है। हमें बताएं हमारी गलती क्या है, हमें क्या करना चाहिए।
सबाहदीन अपने बाबा की मुश्किल सह लेंगे, लेकिन लुत्फुल्ला सालों से पढ़ाई की खातिर दूर है, हम उन्हें ये सब कैसे बताएंगे? वो छोटे हैं, जब वो सुनेंगे कि उनके बाबा के साथ क्या हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर सबूतों से महमूद पाशा का इस मामले में मुलव्वस होना साबित हो गया तो हम पाशा ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए जो हम सुन ना सके। अगर वो लफ्ज आपकी जुबान से आधा हो गए तो वापसी मुमकिन नहीं, ये बात कभी मत कहिएगा। बैठिए, आइए बैठिए। वही चेहरा, 8 साल की उम्र में महल के पर्दे जलाकर ऐसा ही चेहरा बनाया हुआ था आपने। नेहा सुल्तान, इस दफा हम आपको सुल्तान की बहन होने का फायदा नहीं उठाने देंगे। आ जाएं। सुल्तान मौजम, स्नेहा सुल्तान भी यहीं मौजूद है, अच्छी बात है। कहिए, सुन रहे हैं हम। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे ख्याल से आप देखना पसंद करेंगे। हमने देखा कि स्नेहा सुल्तान महमूद पाशा के लिए दरखास्त कर रही हैं। हमारे भाई को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन हम उस मसले में शामिल नहीं हुए। हम नहीं चाहते कि स्नेहा सुल्तान सियासी उमूर में मुदाखलत करें। आपकी हैरत जायज है, जब हमने देखा था तो हमें भी हैरत हुई थी। वो जेवर जो मलिका बरतानिया सिर्फ काबिले एतमाद साथियों की बेगमात को दिया करती हैं, वही खुसूसी जेवर स्नेहा सुल्तान को मलिका ने क्यों दिया? फैसला आपका है सुल्तान मौजम। सुल्तान मौजम, तोहफा है, हमें तोहफा दिया गया था। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हमशीरा। स्नेहा सुल्तान हमारी सबसे प्यारी बहन। महमूद पाशा कभी हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हम सारी रात गुफ्तगू करते, रियासत की बेहतरी और खुशहाली के बारे में बात किया करते, मुखलिसाना मशवरे दिया करते वो हमें, तो फिर वो ऐसे अचानक कैसे बदल गए? आपके शौहर जिंदान में फांसी के मुंतजर हैं और आप भी हरम से बाहर कहीं जाने की कोशिश ना करें, ताहयात कैद समझें अपने आप को। हमारी ख्वाहिश है कि आपको बाइज्जत बरी होता देखें स्नेहा सुल्तान। स्नेहा सुल्तान के लिए महल में कोई मुनासिब जगह मुख्तस कीजिए, ये बाहर नहीं जाएंगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो सकते में हो। पुरसुकून, इकला मुतनाही, खामोश समंदर की तरह हूं मैं। हां बिल्कुल, तला तुम खत्म हो चुका, रुक गया है तूफान और गहराई बहुत बढ़ गई है। सारा मर गई है हर्सल। क्या मजाक कर रहे हो ना तुम? संजीदा हो तुम? कहां है वो? कैसे हुआ ये?
वो चली गई। मेरे दिल में हमेशा की नींद सो गई। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, इसकी कोई अहमियत नहीं रही। मैं सारा को पसंद करता था। हमारे दरमियान इख्तलाफात थे मगर वो अच्छी थी। बहुत दुख हुआ। मैं जिस तकलीफ में हूं उसका रत्ती भर कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बेशक तुम दुखी होगे, लेकिन मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। इस मौजू पर बात मत करो। मेरे दुख का कोई मदावा नहीं है, कोई शरीक नहीं और ना ही कोई साथी। तुम्हें वियना लौट जाना चाहिए। खुद को संभालो मेरे दोस्त। सारा उस्मानिया रियासत लेने के लिए यहां आई थी। उस्मानिया रियासत ही अब मेरा वतन है, ये मैं लूंगा। तुम्हें इतना पुरजोश देखकर अच्छा लगा मुझे। अपनी जिंदगी और नजरियात को एक कर लेते हैं हम। जब देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूं तो अपने ख्यालात बदल लोगे और मुझे गले लगा लोगे। अर्सल, क्या है तुम्हारे जहन में, बताओ मुझे। उस्मानी फौज में पहले गद्दार दाखिल करेंगे, फिर तुर्क नौजवानों के साथ इत्तेहाद करेंगे, जैसे दो समंदर। जब ये दोनों ताकतें आपस में मिल जाएंगी तो एक बहर तला तुम वजूद में आ जाएगा। इस रियासत में शिकाव डालना आसान नहीं, लेकिन कमजोर भी कर दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आले उस्मान खुद अपने हाथों से इसे कमजोर करेंगी। हर्सल, फिक्र नहीं करो तुम। यकीन है तुम्हें? वो अगर अपने दीन और अंबिया के रास्ते से भटक जाएं, अपनी किताबों से रूगर्दानी करें, अपनी तारीख पर शर्मिंदा होने लगे और मगरिब के रास्ते पर चल पड़े, इमामों की जगह रहनुमाई के लिए पादरियों और राहिबों से रुजू करने लगे, फिर देखना उस कौम से मैं क्या करवाता हूं। मेरे दोस्त, अब हम एक साथ हैं। अब्दुल हमीद की नजरों से बचकर साथ काम करेंगे। ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जिसका जिक्र सुल्तान ने किया था। मामला काफी गंभीर लगता है। तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर देख कर आता हूं। एहतियात रखिएगा। मेरी सुल्ताना। कहो एस्मा, आपने खास खबर सुनी क्या? क्या हुआ? महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनिया सुल्तान को भी महल में कैद कर दिया गया है। हम इस किस्म की कोई खबर नहीं सुनना चाहते हैं एस्मा। आइंदा हमारे पास मत आना जब तक कि हम खुद ना बुलाएं। जुल्फत कालफा से जाकर कहें कि हमारे लिए हरम से दो खादमाएं भेजें। मेरी सुल्ताना, खुदा के लिए ऐसा मत करें आप। आपके पास रहना चाहती हूँ मैं। बस करो एस्मा, हम तुम्हें साथ नहीं रखना चाहते। उस खत को हम भूल नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी वजह से कई रातें जाकर गुजारी हैं हमने। सुल्ताना, मैंने आपके लिए किया था वो सब कुछ, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। बस बहुत हो गया एस्मा, अब तुम जा सकती हो।
अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या आपकी समझ में आया वो थप्पड़ क्यों मारा था हमने? मेरे सुल्तान, आपने मुझे हिजाज जाने वाले दस्ते के खादिम आला के तौर पर चुना, लेकिन उस दस्ते के मुहाफिजीन का इंतखाब मैंने नहीं, महमद पाशा ने किया था। मैंने तो उनके नामों की फहरिस्त भी नहीं देखी थी, वो भी महमद पाशा ने देखी थी। क्या वो फहरिस्त आपने तैयार नहीं की थी? मैंने तैयार नहीं की मेरे सुल्तान, मैंने देखी भी नहीं। वो मेरे सुल्तान, उन सिपाहियों का इंतखाब महमद पाशा ने किया था जिन्होंने गद्दारी की थी। मुझे कैसे पता चलता कि वो सिपाही गद्दारी करने का इरादा रखते हैं? मैं बेकसूर हूँ सुल्तान मुअज्जम। फहरिस्त पर किए गए दस्तखत की जांच करवाएं। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है पाशा, अब तुम जो चाहे कर लो, जो चाहे कह लो, तुम्हारी गद्दारी साबित हो जाएगी। कैसी हैं फातिमा पसंद? उम्मीद है कि आपकी सेहत अच्छी होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी खादिमा को बर्खास्त कर दिया आपने, उसने कोई बड़ी गलती की थी क्या? हमें यही मुनासिब लगा। ठीक है, हम उसे महल से भी बर्खास्त कर देंगे। हम उसे वापस बुला लेंगे, बस कुछ दिन आराम के लिए मोहलत दी है। हरम में बातें की जा रही थी, क्या आपने उसे बरतरफ कर दिया है? तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि एक सुल्ताना के जाती मामलात में उनका क्या काम है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो आराम करेंगे हम। जी बिल्कुल, लेकिन उसे बरतरफ करने की वजह पे भी सवाल उठाया जा रहा है। हमारा ख्याल है ये मामला उस खत का है। कौन से खत की बात कर रही हैं? हमें कुछ नहीं मालूम। वही खत जिसने हमारे भाई की जिंदगी तबाह कर दी। खुलू से दिल से दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा इम्तिहान ना है फातिमा पसंद। ये हुई ना बात। मैं हमेशा तुम्हें शानदार लिबास में ही देखना चाहूंगा नौजवान। और क्या तुम अपनी जेब भरना चाहते हो? बिल्कुल, हर शख्स दौलत कमाना चाहता है। नहीं, जितनी कमाई तुम करोगे उतना कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत दौलत कमाओगे तुम। यूसुफ काम में कितना माहिर है ये आप जल्द देख लेंगे। अब तुम जा सकते हो, जब कोई खास काम होगा केरोक तुम्हें आगाह कर देगा। ठीक है आगा। आगा, आम लोगों की तरह बातें ना करो, मुझे जनाब जारूफ कहो, समझ गए? जनाब जारूफ। हाँ। ये नौजवान और इसका दोस्त हमारे लिए बहुत अहम है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या यहीं रहूं? नहीं, मैं एथेंस जा रहा हूं। मैंने उन मकामात और बंदरगाहों का नक्शा बनाया है जहां मेरा असलिया जाएगा। वापसी में मिलता हूं। ठीक है जनाब जारूफ। और हाँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे?
फिर काम का क्या होगा? यूसुफ संभाल लेगा। ये सब छोटे छोटे से मामला थे। उसकी आंखों में मैंने वो देखा जो मैं देखना चाहता था। क्या? माल का लालच। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने जो कुछ बताया वो सच है। सिपाहियों का इंतखाब महमूद पाशा ने किया था, इस पर उनके दस्तखत है। अगर कमालुद्दीन ने लॉर्ड कॉनरेड और महमूद पाशा का ताल्लुक देख लिया होता तो बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाती। पाशा, वजीर कानून से कहें नई नालिश तैयार करें, गिरफ्तार कर लें महमूद पाशा को। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आ जाइए। आइए सब आती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा गिरफ्तार हो गए और बेबसी से फांसी का इंतजार कर रहे हैं। वालिदा को महल में कैद किया गया है। वो सिर्फ बाबा के लिए बात करने गई थी। हमारे सुल्तान को सिर्फ लोगों को कैद करना और जान से मारना आता है। खुद ही अदालत, खुद ही मुनसिफ। शहजादे, आप कुछ कहेंगे या खामोश बैठे रहेंगे बस? जो भी होगा वो हम दोनों देखेंगे सबाहती। आ जाइए। शहजादे, बीदार सुल्तान आपकी मुंतजर हैं। ठीक है, आप जाएं। क्या इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे आप? जो नाइंसाफी पर खामोश रहे वो गूंगा शैतान है सबाहद्दीन। हम खामोश नहीं रहेंगे। तीस साल तक तुम्हारी बनाई हुई यखनी की खुशबू इन गलियों में महकती रही है। इस दुकान में तुमने यतीमों और मोहताजों को मुफ्त खाना खिलाया। इतने सालों बाद तुम अपना चूल्हा बुझाकर यहां से जा रहे हो, हाँ आसिम उस्ताद? तुम ये बात कह रहे हो आगा, परिंदों ने तुम्हारी दुकान में भी तो घोंसले बना लिए हैं, मकड़ियों ने जाल बुन लिए हैं। मैं नई जगह दुकान खोलूंगा। एक बहुत अच्छी जगह दुकान मिल गई है मुझे। अल्लाह कामयाब करे। क्यों जा रहे हो उस्ताद? रिश्ते मजबूर कर देते हैं फरमान आगा, रिश्ते। वहां कौन है आपका? तुम्हें क्या लगता है कि किसी जिंदा आदमी से ही मिलना जरूरी है फरमान? मेरे वालिद हैं वहां, मेरा एक शहीद भाई भी है, मेरी मां भी है। उनकी कब्रों पर जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा जाकर। वहां वो पहाड़ है जिन पर मैं दौड़ा करता था अपने भाइयों के साथ, तलवार उठाई थी वहां। और उमर का क्या होगा? मैं सऊद से पाया तख्त अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा। उमर से नहीं मिल सकता, उसे अलविदा कहा तो मुझे खौफ है हम एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। तुम बता देना उमर को फरमान आगा, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, दुआएं कबूल करेगा अल्लाह। मुझे मेरी जमीन बुला रही है फरमान, मुझे मत रोको। इंशाअल्लाह मेरे नसीब में हुआ तो सऊद की मट्टी में दोबारा मिल जाऊंगा। दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। उमर को मेरा सलाम कहना,
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आमीन। चलो चलते हैं भाई। जल्दी काम खत्म करें उमर भाई, बहुत कुछ जानता है वो। ये किस जबान में लिखे हुए हैं? खत्म हो गया वालिदा, सब कुछ। क्या हुआ सबहद्दीन? अब्दुल कादिर ने हमारा ताकुब किया था, उसके पास हमारी तस्वीर भी है। वालिदा, वो तस्वीर अगर सामने आ गई तो मैं और पापा दोनों। ये क्या कह रहे हैं बेटे, कैसी तस्वीर? बताइए सबहद्दीन, कैसी तस्वीर? कुछ नहीं वालिदा, कोई तस्वीर नहीं है। मैंने परेशानी में बस वैसे ही कह दिया, अब चलना चाहिए मुझे। सबहद्दीन, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी परेशानी की हालत में आए और अब ऐसे जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंग्रेजों से बात करने जा रहा हूँ मैं, शायद वो बयान दे दें कि बाबा को उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह बच सकते हैं हम। सबहद्दीन, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इनमें वो दस्तावेज कौन सी है जिसकी हमें जरूरत है? ये तो मुख्तलिफ जबानों में है। जो हमें चाहिए वो जर्मन में होगी। हमें क्या मालूम कि जर्मन में कौन सी है? इन सबको ही ले चलते हैं। हाँ ठीक है, ये सब जल्दी ले जाओ, मेरा इंतजार मत करना। नहीं उमर भाई, सुल्तान ने हम दोनों को काम दिया था, हम दोनों साथ जाएंगे। ठीक है। अब्दुल कादिर के पास से वो तस्वीर चुरा ली है मैंने, लेकिन और तस्वीर भी हो सकती हैं उसके पास। बस थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन असली तस्वीर उन्हीं के पास है। बहुत बेवकूफ है शहजादा अब्दुल कादिर, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो। मैं तो पहले ही सब कुछ मेहमत पाशा के सर पर डालकर खुद को बचा चुका हूं, लेकिन हालात अब भी पेचीदा हैं। बेफिक्र हैं आप, इस मसले को संभाल लूंगा मैं। मैं गलती से वालिदा को सब बताकर मामला बिगाड़ने वाला था। सबहद्दीन, खुद को काबू में रखो, जो बात जहन में हो वो औरत को मत बताओ कभी, छोटी सी उम्र में सारे बाल झड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं फौरन वहां से निकल गया। मंसूबा क्या था तुम्हारा? दरअसल बाबा, आप जानते हैं कि वालिदा मुराद मामू के मामले में तो आवाज उठा लेती हैं वो, लेकिन कभी भी अब्दुल हमीद के खिलाफ किसी भी मामले में शामिल नहीं हुई, कभी नहीं। इतनी चोटें खाने के बाद क्या ये मुमकिन है कि हम मगरिब की तकलीद करना छोड़ दें? नामुमकिन, वो हमारी रूह में शामिल है। तुम्हारी वालिदा मशरकी खातून है, वो मशरकी ही रहेंगी हमेशा, वो कभी भी कोई बड़ा खेल खेलने की हिम्मत नहीं करेंगी। वो फिर से आपको बचाएंगी। कैसे? वालिदा आज रात महल में रहेंगी, वो आपसे एक राहदारी के फासले पर हैं। मेरी और तुम्हारी वालिदा के दरमियान बड़ा पहाड़ है,
मेरी हिरासत के दौरान वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होगा। हो सकता है वो आपके लिए कुछ ना करें, लेकिन मेरे लिए, अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती हैं? तुम्हारे लिए सबाहतीन वो दुनिया को आग लगा सकती हैं। चलो देखते हैं हम। वालिदा फिक्र मत करें, पुरसकून हो जाएं। ये फहरिस्त वाला मामला खतरनाक है अब्दुल कादिर। हम जानते हैं वालिदा, मगर हमारे पास जो दस्तावेजात हैं वो मामू को बचाने के लिए काफी हैं, बाकी बातों की अहमियत नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठ जाइए। हमारी फूफे की गद्दारी भी बेनकाब हो गई, अब या तो वो महल में बंद रहेंगे या अपने घर में नजरबंद। ये तो है, हमें स्नेहा सुल्तान के लिए अफसोस है, उनके शौहर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्नेहा उनके मंसूबों की भेंट चढ़ गई है और अनजाने में अपने शौहर की रफीक बन गई। दर हकीकत स्नेहा एक अच्छी औरत थी। बहरहाल उस तस्वीर से हर मामला वाजे हो जाएगा। हमें जाकर सुल्तान से बात करनी चाहिए। इस तस्वीर को देखने के बाद फौरन मुकदमा कायम करेंगे वो। सबातीन वो तस्वीर ले गया। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर? अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करें वालिदा, हमारे पास उस तस्वीर का अक्स है, थोड़ा इंतजार करें, फिर तस्वीर हमारे हाथ में होगी। इसमें कितना वक्त लगेगा अब्दुल कादिर? अगर कार्गो पॉलिस होता तो वक्त थोड़ा कम लगता, मगर शाम तक तैयार हो जाएगी और महमूद पाशा के पास शाम तक का वक्त है। आपके उन गद्दार दोस्तों ने सबाहतीन को अगवा कर लिया है, बदले में आपकी रिहाई चाहते हैं। फिक्र मत करो, हम सारा का इंतकाम भी लेंगे और रास भी जमा करेंगे। असली तस्वीर कहाँ है? सुर्ख कमरे में। दरवाजा खोलो जल्दी। होशियार, हमला हो गया। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा।